नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, इस बात में अब दो राय नहीं है कि दक्षिण एशिया में भारत एक प्रभुत्वशाली शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। ऐसे में भारत के सामने जिसने आंखें ऊपर करने की हिमाकत की, उसका एहसास नेपाल को जरूर कर लेना चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भी एक वक्त पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत से पंगा ले बैठी थी। अंजाम क्या हुआ, जग जाहिर है। मालदीव की पूर्ववर्ती गयूम सरकार भी चीन के सामने नतमस्तक हुई तो आज मालदीव में गयूम का नाम लेवा तक नहीं है। अब नेपाल में चीनी धोती छाप ओली पिछवाड़ा जितना ऊपर नीचे गिरा रहा है, वह पराकाष्ठा को लांग गया है। ज्यादा दिनों तक नेपाल में उसका मुसल चंद मिशन नहीं चलने वाला है, यानी बकरे की मां के खैर मनाने के दिन बीत चुके हैं। इसलिए धोती छाप का मैदान साफ होना लगभग तय है। वैसे भी केपी शर्मा ओली उस खरपतवार की तरह हैं जो नेपाल की जमीन को तो बंजर कर ही रहा है, नेपालियों को चीन की गुलामी की दलदल में भी धकेल रहा है। वामदेव गौतम ने इशारा किया है कि ओली को चीन से मोटी रकम मिल रही है। अगर उन्हें अपनी सत्ता खोती हुई दिखती है तो वे नेपाल छोड़कर भाग सकते हैं। मगर दिक्कत यह है कि जब तक इस धोती छाप के भागने का वक्त आएगा, तब तक नेपाल पूरी तरह चाइना की कठपुतली बन चुका होगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादातर नेता ओली की योजना को समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। अब सवाल भारत से संबंधों का नहीं है, बल्कि नेपाल की अस्मिता का है। उसी अस्मिता को ओली चीन को गिरवी रखने की ओर बढ़ रहे हैं। यानी जो नेपाली आज चीन के नाम पर उछल रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन चीन की हो चुकी है। सत्ता सवालों के जवाब देने की ताकत खो चुकी होगी और नेपाल में ओली कंफ्यूजन की दुकान स्थापित करके चले गए होंगे। आज जिस लोकतंत्र की आड़ में नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है, वह भारत की ही देन है। 1950 में भारत नेपाल की व्यापार और वाणिज्यिक संधि और शांति एवं मित्रता की संधि की बदौलत ही नेपाल यहां तक पहुंचा है। नेपाल के नागरिकों को भारत में बेजोड़ सुविधाएं मिली हुई है। अघोषित तौर पर उन्हें भारतीय नागरिकों जैसा दर्जा प्राप्त है, जबकि चीन से ऐसा इन्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 2/3 व्यापार भारत से ही होता है, वही चीन के साथ यह व्यापार 10% भी नहीं है। भारत ने 216 मिलियन रुपए दक्षिण नेपाल की नदियों पर बांध बनाने के लिए प्रदान किए हैं, उसके बाद ही इस देश में बांध बन पाए हैं। साल 2015 में 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद से 1500 किलोमीटर सड़क और ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। यह भारत की बदौलत है जो 2 दिन पूर्व नेपाल गरीब देशों की सूची से निकला है। इसमें चीन का कोई भी योगदान नहीं है। चीन तो बहती गंगा में हाथ धोने नेपाल में आया है। जब नेपाल ऐसा और भूखा मर रहा था, चीन उसे पूछने भी नहीं आया था। नेपालियों को स्मरण नहीं होगा कि नेपाल में आए भूकंप की त्रासदी में भारत ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की थी। चीन से क्या मिला, यह खुद उन्हें तलाशने की जरूरत है। नेपाल और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1414 किलोमीटर लंबी है। नेपाल अपनी सीमाओं की चीन से रक्षा कर पाएगा, अब यह मुश्किल ही लगता है। भारत के बिना नेपाल चीन के समक्ष शून्य है। हालांकि नेपाल का चरित्र खाकर मुकर जाने जैसा है। इस हिमालयी मुल्क की भारत से दगाबाजी 2005 में देखने को मिली थी। नेपाली नरेश ज्ञानेंद्र ने चीन को सार्क में शामिल करने का समर्थन कर दिया था। हालांकि नेपाल की यह कोशिश पूरी तरह सफल साबित हुई। नरेश ज्ञानेंद्र की चीनी चाटुकारिता को भारत पूरी तरह समझ चुका था। आज ज्ञानेंद्र का इतिहास क्या है, नेपाल को पता कर लेना चाहिए। नेपाल में महंगाई जिस तरह से कीर्तिमान बना रही है और यहाँ राजनीतिक उथल पुथल बची हुई है, इसकी वास्तविक जिम्मेदार ओली की भारत विरोधी नीतियां है। ओली ने नेपाल को आग की भट्टी में झोंक दिया है। मोटे सूद पर चीन से लिया गया कर्ज भोले नेपालियों को आखंड तक डुबो रहा है। हालत यह है कि नेपाल की सत्ता में चीन का हस्तक्षेप बढ़ गया है, जो कहीं ना कहीं नेपाल के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। लासा से काठमांडू के नाम पर बीजिंग ओली एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। अब अगर नेपाल यह सोचता है कि चीन से उसका गठबंधन भारत को चिढ़ाने के लिए है, तो उन्हें पाकिस्तान से सबक लेने की जरूरत है। भारत को चिढ़ाने के चक्कर में इस मदरसा मुल्क में आज पूरी तरह चीन की हांडी चढ़ चुकी है। हालत यह है कि यहाँ के तैमन छापों को नमाज पढ़ने तक की इजाजत नहीं है। चाइनीज इनकी बेटियों को चाइना के रेड लाइट एरिया में खपा रहे हैं। मुल्लाओं की तस्री पे लाल की जा रही है। यह तब है जबकि पाक के टोपीबाज खुद को ज्यादा सुरते मानते हैं। नेपाली तो वैसे भी सीधे लोग होते हैं। भारत के लिए भाई समान है, पर चीन भाई बनाने नहीं घुसा है। वह ओली का दामाद बनकर नेपाल में बैठने जा रहा है। फिर जहां चीन घुसता है, वहां आवाज पूरी तरह दबा दी जाती है। लोकतंत्र जैसा कोई स्तंभ एक सुपन बन जाता है। खुद हांगकांग और चीन इसका उदाहरण है।
ओली जैसी झोली सदैव अपना हिस्सा बटोरती है। अच्छा नेता सभी पड़ोसी से व्यापारिक रिश्ते बनाकर चलता है। नेपाल अभी इस लायक नहीं हुआ है कि वह भारत जैसे मित्र देश से पंगा ले सके, इसलिए भारतीय कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाए। सदियों से भारत नेपाल के भाई जैसे रिश्ते रहे हैं। एक धोती छाप बुढ़ाओ की महत्वाकांक्षा उन्हें इतनी आसानी से छिन भिन नहीं कर सकती है, इसलिए ओली की डोली ज्यादा देर मायके में नहीं रह सकती। इसे ससुराल हर हाल में ही जाना होगा। ससुराल कहां है आज यह सभी को पता लग चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।